पर एक पत्थर है जिसमें 7 प्रकार के अलग अलग आवाज आते हैं। मटके के घड़े का आवाज। हाँ, ये कैसा आवाज है? ये बट्टू का आवाज है। अच्छा, कासा खाली, कासा का थाली का आवाज। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ दीपक। आज हमारे मैनपाट ट्रिप का 4था दिन है और अभी हम आ चुके हैं ठिनठिनी पत्थर। आपने देखा होगा, पहला दिन हमने वाटर ट्रैकिंग किया था, दूसरा दिन मैनपाट का साइट सीन किया था, तीसरा दिन ट्रैकिंग किया था पहाड़ी कोरवा विलेज में, और 4था दिन अभी हम जा रहे हैं ठिनठिनी पत्थर। उसके बाद जाएंगे रामगढ़, फिर जल विहार बुका, और रामगढ़ में हम सीता बेगरा, जोगी मर्रा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी, अगर रोड बन गया होगा तो जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। पहले को वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो अभी हम टिनटिनी पत्थर आए हैं। तो यहाँ पर एक पत्थर है जिसमें 7 प्रकार के अलग अलग आवाज़ आते हैं, जैसे बटुआ है, थाली है, घंटी है, जो बर्तन है घर में यूज़ करते हैं, उस तरह का आवाज़ पत्थर से आता है। तो वो आज आपको दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं। और अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। हम मेन पार्ट से आ चुके हैं दरिमा के पास, ठिनठिनी पत्थर, और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, आप देख सकते हैं, पर केवल उसी पत्थर में ही वो आवाज़ आता है, बाकी सारे पत्थर नॉर्मल है। तो सच में प्रकृति का अजूबा है, इतने सारे पत्थर के बीच में एक पत्थर ऐसा होना, मतलब अजूबा ही है। पानी पीते हैं मटे घर को आज, हाँ, वो बात देता हूँ। हाँ, अगर कह देना कि नहीं दूंगा तो कह बाबा क्या बताए क्या बताए कि नहीं, हमको धोखे से ऐसा सुनाए थे। मटके के घड़े का आवाज। हाँ, मटके के घड़े का आवाज आ रहा है। ठीक है। बजने वाला पत्थर इतना छोटा आवाज। हाँ, बजने वाले जो पत्थर से करते हैं ना ऐसे घर्षण, उससे है उसका है। ये कैसा आवाज है? ये बट्टू का आवाज है। हर जगह पे अलग अलग आवाज आता है। वहां जात रहे हैं। हाँ, अब बता दे जाना। अब ये कौन सा आवाज है? ये कौन सा आवाज है? ये हवे थाली का आवाज। थाली का आवाज। हाँ, अच्छा, कासा थाली, कासा का थाली का आवाज, घंटी जिसे बजता है। पीतल का आवाज है। अच्छा, ये पीतल का आवाज है। ये कहाँ का आवाज है? ये भी बटुआ का आवाज है। अच्छा, बटुआ का आवाज है। बेटा आवाज इतनी तक है। अच्छा, ये प्रकृति का अजूबा है। हाँ, सच में। और इतना बढ़िया है, बता रहे थे बाबा, ये कौन लेटे हैं बाबा? ये बताते थे कि नहीं लंगे बाबा था। हाँ, काहे? हाँ, जैसे राम लिपन बनवा चलता, कोई ताली मार रहा है। हाँ, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा था। हाँ, यहाँ सो रहा था ये। अच्छा, और मुनि का आए का इन्हें 2 मिनट रुकने का था। हाँ, तब मुनि तो जाते हैं, हम जानी भगवाने था वो। हाँ हाँ, तब कुछ जाओ तुम पत्थर बन के रह जाना, हम जाएंगे तुम्हारे पास। अच्छा, आवाज तुम्हारा जबान खोलेंगे। हाँ हाँ, तो आया है राम जी को ठोकवाया। हाँ, ठोको कैसे, इसका जबान खोल दो कैसे। अच्छा अच्छा जबान इसका यही है बेटा। अच्छा, यही जबान जिसका लेते हैं, जिसका दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, देख रहे हैं ना, ते राम मन गमन का पड़ाव है। पड़ाव है बस। आज ये राम यहाँ, हाँ, धरती में पाँव होकर खड़ा हो जाए तो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ भगवान राम आए थे, यहीं से तो होकर रामगढ़ गए हैं। अच्छा, यहीं से होकर रामगढ़ के होकर के रामगढ़ जाए को समाए हैं। अच्छा अच्छा, दूर से आए कि भिलाई की रायपुर से? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं तो रामगढ़ देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह से खेत में खेल रहे हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये स्कूली बच्चे हैं और ये पढ़ाई करने आए हैं, अभी रिसेस हो रहा है, रिसेस में ऐसा खेल रहे हैं। आपने कभी ऐसा खेला ही कि नहीं रिसेस में? दोस्तों, अभी हम टिनटिनी पत्थर से आ गए हैं रामगढ़। हम पहुंच चुके हैं सीता बेगरा और जोगी मरा के, इसे बोलते हैं विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला, और यही वो जगह है जहाँ पर
कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना किए थे कुछ अंश का, तो यही जगह है। और यहाँ पर रॉक पेंटिंग था, पर समय के साथ अब ये पूरा छीन ढीन हो गया है और ये जगह है। तो यहाँ जब भी आप आते हैं मैनपाट, तो यहाँ भी घूमने के लिए ज़रूर आएँ। यहाँ पर नीचे में हाथी पोल है, गुफा है, तो वो टनल घूम के आते हैं। चलिए चलते हैं। सीता बेगरा गुफा देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हाथी पोल। देखिए कुछ इस तरह से रास्ता है, यहाँ से उतरना है धीरे धीरे। आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नदी है और यहाँ से जाते हैं हाथी पोल। ये देखिए क्या एक्सप्रेशन है, देखते हैं। ये है वो गुफा। ये देखिए, आइए चलते हैं उस पार। उस पार भी जा सकते हैं? हाँ, और इस पार से उस पार टनल से घूम के आते हैं। इसे हाथी पोल क्यों कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पर हाथी इस पार से उस पार जाने के लिए इस टनल का यूज़ करते थे। वो गुफा के इस छोर में आ गए हैं, तो ये बस एक छोर से दूसरा छोर है, एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए ऐसा टनल बना हुआ है। तो यहाँ पे हाथी आते थे ऐसा बोलते हैं, इस पार से उस पार, इसलिए इसे हाथी पुल कहा जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब आप रामगढ़ आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और डरने की बात नहीं है, कई लोग डराते हैं कि सांप है कुछ है। हाँ, जंगल है तो सांप वगैरह हो सकता है, पर आप सावधानी रखें तो आराम से इस जगह को घूम सकते हैं। रामगढ़ में कुछ इस तरह से डेवलपमेंट कार्य भी चल रहा है। यहाँ पे लिखा है राम वन गमन पर्यटन परिपथ, और यहाँ पे राम जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो उदयपुर से अभी हम आ चुके हैं जल विहार बुका, और ये है देखिए बुका। तो अभी सनसेट होने वाला है, तो अभी बोटिंग कर रहे हैं। हर बार मैं सुबह करता था, आज शाम का बोटिंग दिखाएंगे आपको। तो बुक कर लिए हैं 6 सीटर, ये 600 रुपये का होता है, 25 मिनट इसमें घुमाते हैं। तो बोटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। हेलो नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। आज हमारे ट्रिप का 5वां दिन है और अभी हम आ चुके हैं चतुरगढ़ में। अभी हैं हम माँ महिषासुर मर्दिनी माता के मंदिर के पास, और अभी हम जा रहे हैं शंकर गुफा, और आज हम पूरा चतुरगढ़ घूमेंगे। चतुरगढ़ में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है,
और यहाँ पर आप माँ महिषासुर मर्दिनी का मंदिर घूम सकते हैं, यहाँ से आप शंकर गुफा जा सकते हैं, यहाँ के जो 9 व्यू पॉइंट है वो घूम सकते हैं, यहाँ के जो 4 प्रवेश द्वार है वो घूम सकते हैं, साथ ही यहाँ पर 5 तालाब है वो घूम सकते हैं, और सबका एक अलग अलग स्टोरी है। इसका अगर डिटेल वीडियो देखना है तो पहले ही बनाया हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। माता का दर्शन कर लिए हैं, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये है मंदिर, तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कंचन कुआं। ये चित्तौड़गढ़ में मैं पहली बार जो है ये कंचन कुआं देखने जा रहा हूँ, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। क्या क्या कहानी बोलते हैं भाई कंचन कुआं के बारे में? मेन कहानी है और पहले बताते कि बहुत निर्मल एकदम स्वच्छ पानी था उसमें साफ। अच्छा स्वच्छ पानी था। जो नीचे का जो जमीन चल है ना, हाँ वो दिक्कत था बताते हैं। इतना पानी साफ था? हाँ। पहले तो ये तालाब का भी पानी बहुत साफ था। हाँ हाँ। एकदम सिक्का फेंकते थे ना तो नीचे का सिक्का दिक्कत था। अच्छा। हाँ, इतना मतलब ये मैं खुद देखा हूँ। गर्गज तालाब का? हाँ जी। गर्गज तालाब का बोल रहे हो आप? यहाँ पर है कंचन कुआं। अच्छा ये है कुआं? अरे बाप रे, ओ भाई साहब ये तो पूरा रॉ है भाई। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं है। आकार देख लीजिए अभी भी मतलब कितना बड़ा है। हाँ 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 हाँ, और गहरा भी देख लीजिए कितना मतलब। अरे भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है। ये है कंचन कुआं और इतना ज़्यादा गहरा है पूछे मत। ये लगभग अभी 50 से 60 फीट नीचे गहरा है, और जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा गहरा था बताते हैं। अभी तो यहाँ पे पूरा पट चुका है, मिट्टी आ चुका है, नहीं तो ये पहले और ज़्यादा गहरा हुआ करता था। देखिए भैया आप उधर मत जाओ। हाय, मैं हूँ डॉक्टर पूर्वी, मैं दिल्ली से आई हूँ और बहुत दिनों से सोच रही थी कि नेचर के बीच में जाऊँ, और अक्सर मैं नेचर के बीच में जाती हूँ तो ढूंढते ढूंढते दीपक जी का मुझे ब्लॉग मिला, और उनका ब्लॉग मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, सो मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे पैकेज बना के दिया यहाँ घूमने का, तो मैं यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद मैं बहुत घूमी और यहाँ का जो वातावरण है, नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचर है, और बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, शहरों जैसा बिल्कुल नहीं है। और खाना खाने के बाद, यहाँ पे रहने के बाद आप बिल्कुल डिटॉक्स हो जाएंगे। मतलब जो कहते हैं ना शहरों में इतना पॉल्यूशन है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग आइए और यहाँ पे स्टे कीजिए। मैं इसी मड हाउस में रुकी थी, टेंट में भी रुकी थी, उसके बाद वो जो पहाड़ दूर दिख रहा है मैं वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए गई हूँ, और विलेज घुमा है दूर दूर तक, बहुत जगह मुझे दीपक जी ने घुमाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। तो आप लोग आइए। थैंक यू।